हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। और आज इस वीडियो में मेरे पास दो टास्क है, एक तो अपने लिए फूड फार्म बनाना और दूसरा मुझे अपने लिए एक पूरा आयरन का आर्मर चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कुछ एरिया पहले से ही सोच कर रखा है मैं कहाँ पर अपना फार्म बनाने वाला हूँ, तो मैं जल्दी से इसको क्लियर कर लेता हूँ। और क्लियर करने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा कोबल स्टोन लगा देता हूँ। मैंने इस एरिया में कोबल स्टोन लगा दिया है और अब मैं इसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ फेंस। तो चलो अब मैं तुम्हें फेंस लगाने के बाद मिलता हूँ। मैंने फेंस भी लगा दिया है, अब मुझे थोड़ा वाटर बकेट के लिए आयरन चाहिए था, तो मैं निकल जाता हूँ विलेज के आयरन गोलम को मारने। मुझे आयरन गोलम मिल जाता है तो मैं इसको मार के भाग जाता हूँ। फिर अपने लिए डर्ट का एक छोटा सा 4 ब्लॉक सुपर टावर बना लेता हूँ और फिर मैं इसको मार देता हूँ। इस आयरन गोलम से मुझे 4 आयरन मिलते हैं, तो मैं जल्दी से अपने बेस पे आके बकेट बना लेता हूँ। बकेट बनाने के बाद मैं अपने लिए एक हो बना लेता हूँ जिससे मैं अपने फार्म पे काम करूँगा। फिर मैं अपने फार्म पे हो करने चला जाता हूँ। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ इस पूरे एरिया को हो करने के बाद। तो ये एरिया मैंने हो कर लिया है, चलो अब मैं तुमसे मिलता हूँ इसमें सीड लगाने के बाद। मेरे पास जितने भी सीड थे वो मैंने पूरे लगा दिए हैं। तो इसके बाद मैं इसके जस्ट साइड में ही एक अपने लिए शुगर केन फार्म भी बनाने वाला हूँ। तो चलो मैं अब तुमसे शुगर केन फार्म बनाने के बाद मिलता हूँ। तो मैंने शुगर केन फार्म भी बना लिया है, तो मेरे घर के आसपास ही थोड़े से शुगर केन भी लग रहे थे, तो मैं जल्दी से इनको तोड़ के लिए आता हूँ और यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। ऐसे ही से मैं सामने वाले साइड भी बना देता हूँ जिसमें मैं कुछ एनिमल्स रख पाऊँ। और एक टास्क तो मेरा कंप्लीट हो चुका है फार्म बनाने का, फिर मैं चला जाता हूँ आयरन माइन करने। मैं स्ट्रिप माइनिंग करने का सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सीधा टिक डाउन करके जाता हूँ और तो मैं वाई लेवल 15 पे मिलता हूँ। मैं वाई लेवल 15 पे आ चुका हूँ, फिर मैं यहाँ से सामने के साइड स्ट्रिप माइन करना चालू करता हूँ जब तक मुझे आयरन नहीं मिल जाता। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे आयरन कुछ फाइंड करने के बाद। वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद मुझे कुछ आयरन मिल जाता है, तो चलो मैं जल्दी से इसको माइन कर लेता हूँ।
और वहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद मुझे थोड़े और आयरन मिल जाते हैं, तो मैं जल्दी से इन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं वहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ स्ट्रिप माइन करते करते, और फिर मुझे थोड़ा सा और आयरन यहाँ पे भी मिल जाता है, तो जल्दी से मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और तुमसे कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। फिर मेरे पास वहाँ पे पूरे 33 आयरन हो जाते हैं। फिर मैं उनको घर ला के स्मेल्ट करके अपने लिए एक पूरा आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। और आज के दोनों टास्क मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, एक तो अपना फूड फार्म बनाने का और दूसरा अपने लिए एक पूरा आयरन का आर्मर बनाने के लिए। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी वीडियोस तुम कभी भी मिस ना कर पाओ। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।